ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಿಸಿಲಿ ITCS ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೆಂಜಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ FMG ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಪೆಂಜಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆರೀಸ್ನ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕ್ವೆರೀಸ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. सर आपका नाम बताओ सर. माय नेम इज डॉक्टर मयंक पांडे. कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं सिलवासा का रहने वाला हूँ. सो सर आज जो यहाँ पे जो आपकी कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक फेस्टिवल है जिसमें हमारे सारे जूनियर्स भाई बहन, जितने भी हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सब लोग आके मिलते हैं. मे बींग द सीनियर मोस्ट बैच, हमारे सीनियर्स थे नहीं इसलिए मैं सीनियर्स का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये हमारा बेसिकली इवेंट होता ही इसीलिए है कि सीनियर लोग जूनियर्स को गाइड कर पाए कि आगे कैसे परस्यू करना है, चाहे वो आपका इंटर्नशिप हो गया, चाहे PG प्रिपरेशन हो गया, या फिर आपका काउंसलिंग हो गया, और आगे जो ब्रांचेस है उसमें किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे आप खुद का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के डिस्कशन के लिए बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस होता है हमारा. आपने आपकी पढ़ाई जो है वो रशिया में पूरी की? हाँ, मैंने रशिया में 2013 बैच में पावन ईयर, जो पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी की पावन ईयर बैच है, मैं डॉक्टर उक्षित पटेल और मेरे साथ दूसरे 70 स्टूडेंट्स और थे, हम लोगों ने पेंजा में पहली बार जाके पढ़ाई शुरू की थी युवराज सर के सपोर्ट के साथ, और 2019 में हम सबको डिग्री मिल गई थी, और कुछ लोगों ने फर्स्ट ट्रायल में पास की, कुछ लोगों ने सेकेंड ट्रायल में पास की, और आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे बैच के जितने भी हैं, आज सब लोग पीजी में अपना पीजी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं. सर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर इंडिया में? मैं 2 साल के लिए मैंने जॉब किया था, करंटली आई एम परस्यूइंग MD फार्माकोलॉजी फ्रॉम IGGMC नागपुर. अभी नागपुर से पढ़? हाँ सर. वहाँ पे जो रशिया में जब आपने जाकर जो है पढ़ाई की है, तो अभी यहाँ पे यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अभी जा रहे हो, आपको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मोटिवेशन रहेगा. मोटिवेशन इज नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग. डिसिप्लिन रखना है, आपको खुद से डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, और बस उस गोल के पीछे लगे रहना है आपको. अगर आप वहाँ पे क्लासेस जा रहे हो, आपका डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो, सो देर इज नो वन टू स्टॉप यू. सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान जिसके माता पिता जो है वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की जो ख्वाहिश रखते हैं, क्या वो रशिया में जाकर पढ़ाई कर सकता है? मेरे पिताजी बेसिकली पुलिस कांस्टेबल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी मिडिल क्लास फैमिली से मैं खुद बिलोंग करता हूँ. मैंने देखी है स्ट्रगल्स, कहीं कभार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको पर्सनली करना होता है स्टूडेंट्स को. बाकी आपका जो फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, वो उतना वो है नहीं. नॉमिनल खर्चा जो भी रहता है वो आपका खुद का रहता है, तो आप अगर जितना कॉम्प्रोमाइज कर पाते हो, आप जितना बेसिक आप स्टूडेंट ओरिएंटेड आप जितना रहना चाहते हो, तो उतना आपके लिए अच्छा है. और जो फीस यहाँ पर आपको रशिया में दिखाई जाती है, आप खुद से कंपेयर कर लीजिएगा कि इंडिया में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और इवन सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप फीस एक बार आप कंपेयर कर लेंगे ना, तो फिर आपको एक क्वेश्चन भी रेज नहीं होगा. जो नागपुर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है. हमें केवी न्यूज को बात करने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. फॉर रिक्रूटिंग द स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर दिस रशियन यूनिवर्सिटीज, बट आई फाउंड द केयर व्हिच इज एक्चुअली अवेलेबल इन पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्शनल, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे दिस होल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट is actually facilitated over Russia. So on this regard, I definitely would like to thank Dr. Yuvraj sir for making this kind of great help for the Indian student, those really wants to become a doctor without any problem. This particular business, basically taking students from India and going for the Russia, is not a new thing. It's running since Soviet time. But the thing which I observed in Penja State University, this is not just a business they are taking.